राहुल ढोलकिया ने साल 2002 में मूवी कहता है दिल बार बार से एज ए डायरेक्टर बॉलीवुड में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इस मूवी के लीड कास्ट में जिमी शेरगिल, किम शर्मा, परेश रावल, जॉनी लीवर और रणजीत बेदी शामिल थे। ये एक रोमांटिक ड्रामा क्राइम मूवी थी। इस मूवी का बजट 3 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 88 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 2 करोड़ 44 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2005 में आई मूवी परजानिया, इस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राहुल ढोलकिया थे। इस मूवी के लीड कास्ट में नसीरुद्दीन शाह, राज जुत्सी, कोरिन नेमेक, सारिका और अनुपम श्याम शामिल थे। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 3 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 76 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 1 करोड़ 6 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2008 में एज ए डायरेक्टर राहुल ढोलकिया के अलावा कुंदन शाह, सुधीर मिश्रा, अनुराग कश्यप और अन्य कई डायरेक्टर्स द्वारा डायरेक्ट की गई मूवी आई मुंबई कटिंग। इस मूवी के लीड कास्ट में राहुल देव, सोहा अली, अर्जुन बाजवा, दीपक डोबरियाल, पंकज झा और सचिन खेडकर शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। ये मूवी कई फिल्म फेस्टिवल में रिलीज की गई। ये मूवी थिएटर में रिलीज नहीं की गई। साल 2010 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई लम्हा, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीर। इस मूवी के लीड कास्ट में संजय दत्त, विपाशा बसु, अनुपम खेर, कुणाल कपूर और यशपाल शर्मा शामिल थे। ये एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 25 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 9 करोड़ 8 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 1 करोड़ 58 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2017 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई रईस। इस मूवी के लीड कास्ट में शाहरुख खान, माहिरा खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अतुल कुलकर्णी और मोहम्मद जिशान अयूब शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 127 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 137 करोड़ 51 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 281 करोड़ 44 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सेमी हिट रही। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको राहुल ढोलकिया की एज ए डायरेक्टर उनकी सभी मूवीज के बारे में बता दिया। राहुल ढोलकिया की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।